हाय फ्रेंड्स, मैं आज के इस वीडियो में 1 से 10 तक नंबर प्रिंट कराएंगे। इनके लिए हम एक प्रोग्राम लिखेंगे, WAP, मतलब राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 से 10 यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप का यूज करके हम यहाँ पर 1 से 10 तक नंबर प्रिंट कराएंगे। हम प्रीवियस वीडियो में हम बात कर चुके हैं फॉर लूप के बारे में, तो आप लोग वो वीडियो ना देखे हो तो जाकर आप लोग प्रीवियस वीडियो हमारा देख लें, ताकि आप लोगों को बहुत इजी समझ में आ सके। और हम आशा करते हैं कि आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ वो प्री प्रोसेसर का नहीं यूज करके हम डायरेक्ट मेन से स्टार्ट करते हैं। तो वाइड मेन का स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम फॉर लूप के लिए एक वेरिएबल यूज करेंगे। तो वह वेरिएबल हम कोई भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने आई यूज कर रखा है, और फिर हमने डाटा टाइप भी बता रखा है कि इंटीजर डाटा टाइप। इंट के लिए हम इंटीजर के लिए हम इंट डाटा टाइप लगाए, सेमी कॉलम लगाए। उसके बाद में हमने फॉर लूप का यूज किया। तो फॉर लूप का यूज किया हमने, 10 तक नंबर लिखना है। तो सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं, एक लॉजिक समझ लेते हैं। जैसे 1 से 10 तक हमें नंबर प्रिंट कराना है। हर एक प्रोग्राम आपको करने से पहले सबसे पहले आपको लॉजिक समझना होगा, एल्गोरिथम उसका जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले एल्गोरिथम हम जान लेते हैं। तो एल्गोरिथम में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा नंबर प्रिंट कराना है 1 से 10 तक प्रिंट कराना है। तो 1 प्रिंट कराएंगे, फिर 2 प्रिंट कराएंगे। हम माउस से लिख रहे हैं, हो सकता है क्लियर आपको ना दिखाई दे। 2 प्रिंट कराएंगे, 3 प्रिंट कराएंगे, ऐसे 4 प्रिंट कराएंगे, और हम कहाँ तक प्रिंट कराएंगे, 10 तक नंबर हम प्रिंट कराएंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, तो 10 तक नंबर प्रिंट कराएंगे। सबसे पहले 1 प्रिंट कराया। 1 प्रिंट कराने के बाद में हमें क्या चाहिए कि 1 इसमें, फिर 1 से हम प्रिंट कराएंगे। तो 1 से 10 तक हमें प्रिंट कराना है, तो हर बार एक इंक्रीमेंट नंबर हो जाया करे। जिसे हमने यहाँ पर बता रखा है कि सबसे पहले क्या होता है कि इनिशियलाइज करते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करना है। तो हम यहाँ से 1 से इनिशियलाइज कर रखा है, हमें 1 से स्टार्ट करना है, तो हम 1 से इनिशियलाइज किए। उसके बाद में फिर हम कंडीशन बताते हैं, तो कंडीशन कहाँ तक बताएंगे कि 10 तक हमें प्रिंट कराना है। तो 1 से 10 तक प्रिंट कराना है, तो हमें हर बार क्या करना पड़ेगा, एक इंक्रीमेंट करना पड़ेगा नंबर को। तो हम उसके लिए हम क्या i++ का यूज करते हैं। इसका मतलब होता है इंक्रीमेंट, वन टाइम इंक्रीमेंट इसका मतलब होता है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इनिशियलाइज किया। देन हमने क्या किया, देन हमने कंडीशन बताया कि कहाँ तक आपको प्रिंट कराना है, और देन हमने क्या बताया, इंक्रीमेंट किया कि हर बार इतना इंक्रीमेंट हो जाए, उसके बाद में प्रिंट हो जाए। अब हम फिर स्टेटमेंट लिखेंगे। तो स्टेटमेंट लिखने से पहले हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम कर्ली ब्रैकेट का यूज किए, उसके बाद में हम अंदर लिखे, हमें आउटपुट दिखाना है मॉनिटर पर, तो हमने प्रिंटफ का यूज किया। प्रिंटफ में हमने परसेंट डी क्यों यूज किया, क्योंकि हमने बताया कि यह इंटीजर टाइप है, तो इंटीजर के लिए हमने परसेंट डी यूज किया। उसके बाद में हमें यहाँ पर हर स्टेप में प्रिंट कराना, इस तरह प्रिंट कराना है कि 1 then 2 then 3 then 4, यानी न्यू लाइन से स्टार्ट हो। तो न्यू लाइन के लिए हमने क्या किया, ब्लैक स्लैश एन का यूज किया हमने न्यू लाइन के लिए। फिर उसके बाद में हम कामा का यूज किए, और कामा के यूज करने के बाद में फिर हम आई को कॉल किए, और जो आई हर बार आएगा, आई वेरिएबल्स, वह हर बार हमारा प्रिंट होता जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ पर जहाँ पर स्टेटमेंट मेरा ख़त्म होता है, वहाँ पर हम फिर कर्ली ब्रेकेट से बंद कर देंगे। देन हम गेट का यूज करते हैं। तो गेट का यूज इसलिए हम करते हैं ताकि स्क्रीन पर या विजिबल दिखाई पड़े, जो नंबर्स हैं हमने आउटपुट दिखा रखा है उसको दिखाई पड़े। अब हमारा आउटपुट क्या होगा, इसका जो आउटपुट होगा वो हम देख लेते हैं। तो हमारा आउटपुट होगा 1 2 3 4 5, इसी तरह हमारा आउटपुट आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा। आप यदि वहाँ पर ये म्यूट कराते हैं, मतलब वो रन कराते हैं, आप कहीं भी रन करा सकते हैं, विजुअल स्टूडियो में कराएंगे या फिर उसमें
सी सी में कराएंगे या फिर उसमें करा लें टर्बो सी में, मतलब कराएंगे कहीं भी कराएंगे, आपको इसी तरह ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहेगा, रन होता रहेगा। फिर सेकंड एग्जांपल की जो हम बात करें, हम सेकंड एग्जांपल की बात करेंगे सेकंड वीडियो में, इसके बाद वाले वीडियो में हम सेकंड एग्जांपल के बारे में बात करेंगे। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आप लाइक ज़रूर करें, उसके बाद में हमें कमेंट में बताएं ताकि हम और मोटिव होकर और वीडियो बनाएं। हमें अच्छा लगता है आप लोग कमेंट में कुछ बताते हैं कि क्या आप सही बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, या हमें आपकी लैंग्वेज कम समझ में आ रही है, आप और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में हमें आप सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।